हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके एकामे पे कोई एक्स्ट्रा सिम कार्ड है और आप जो है उसको कैंसिल करना चाहते हो तो कैसे जो है कैंसिल कर सकते हैं आप अपने मोबाइल फोन से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील कुमार चौहान और अभी तक हमारे टेक्नोलॉजी सुनील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक घंटी से आएगी उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है CITC। तो मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर दोस्तों आप जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इंग्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। फिर दोस्तों आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा आईडी। तो यहाँ पे जो है एकामा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अपना एकामा नंबर डाल दीजिएगा और एकामा का जो डेट है एक्सपायर वो डाल दीजिएगा अरबी में। तो चलिए सब डाल के मैं आपको बताता हूँ आगे। तो दोस्तों मैंने जो है अपना एकामा नंबर और एकामे पे जो डेट एक्सपायर है वो डाल दिया। अब ये दोस्तों इस तीर वाले निशान पे क्लिक कर देना है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपका नाम भी आ जाएगा और फिर दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो है अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, अब इस तीर वाले निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इंतज़ार करना है जब तक ये प्रोसेस, आपके नंबर पे जो है ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर आएगा आपको डाल देना। तो दोस्तों मैंने जो है ओटीपी नंबर, तो इस तरीके से जो है प्रोफाइल ओपन होता है जहाँ पे आपको सिम का लोगो दिखाई दे रहा है, इसी पे क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। फिर दोस्तों ओपन सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे लोडिंग लेता है दोस्तों। आपका एकामे पे जितना भी सिम कार्ड होगा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो मेरे एकामे पे एक ही सिम कार्ड है, तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो है आप सिम कार्ड को बंद कर सकते हैं अगर आपके एकामे पे एक्स्ट्रा सिम कार्ड है। तो नीचे आपको सबमिट कंप्लेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चूज़ कंप्लेंट पे क्लिक कर देना है और नीचे कैंसिल नंबर सर्विस पे क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पे कैंसिल नंबर जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास एकामे पे एक ही सिम कार्ड है, तो मैं आपको बंद करने का तरीका बताऊँगा, बंद नहीं करूँगा। तो चलिए एसटीसी सिम है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे चूज़ सर्विस, इस पर क्लिक कर देना है और आपका सिम कार्ड जो है इंटरनेट का है कि वॉइस का, जैसे कि लोकल सिम कार्ड है कि इंटरनेट का है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो है लोकल सिम कार्ड है वॉइस वाला, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपको चूज़ कंप्लीट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे कैंसिल यूआर इस पे क्लिक कर देना है नंबर सर्विस पे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना जो है तीर का निशान है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे दोस्तों यहाँ पे जो पूछता है और अदर डिटेल्स, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करके जो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बैक चले जाइएगा और इस वाले ऑप्शन पे जैसे कि सही का निशान, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है सिम कार्ड बंद हो जाएगा। तो मैं बंद करना नहीं चाहता हूँ, आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आप बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है सिम कार्ड को कैंसिल किया जाता है एकामे पे एक्स्ट्रा सिम कार्ड होता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो इस वीडियो में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट के जरिए रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों यहीं पे करते हैं वीडियो समाप्त, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।